एक सवाल है कि संसदीय लोकतंत्र जो चल रहा है देश में, इसका क्या भविष्य देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों में एक स्पर्धा हो गई है झूठे वादे करने की, बड़ा चढ़ाकर वादे करने की, और चुनाव पावर में आने के बाद बुला देने की, ये जनरल हो चुकी है, पर्टिकुलर सिख पार्टी के साथ ये स्थिति हो गई है। तो आप क्या देखते हैं संसदीय लोकतंत्र का भविष्य और इस प्रवृत्ति को ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? भाई मुझे तो अभी आपको सच बोलता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या संगठनों के बीच बैठा इसलिए नहीं, मुझे आजकल बहुत चिंता हो रही है, बहुत मेरे मन में परेशानी है कि देश का क्या है। क्योंकि अब देखो ना चित्र बिल्कुल स्पष्ट है कि आगे क्या होगा, कौन सरकार बनाएगा, आज खम ठोक कर कोई नहीं होता, जो सरकार है उसको तो हम ही नहीं, उसके बारे में क्या साढ़े चार पौने पाँच साल में मेरी इच्छा तो यही थी कि हम 70 साल का एक नया भारत खड़ा करें, चमत्कार करते, शिक्षा और स्वास्थ्य, तन और मन दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे भारत, तो 5 साल में वो चमत्कार करेंगे कि भारत बनेगा तो नहीं लेकिन लोग समझने लगेंगे कि हाँ ये महाशक्ति है, ये सुपर पावर है, 5 साल में ऐसा कर देंगे। और ये सोच मेरा रहा है पिछले 50-55 साल में जो सारी दुनिया के देशों में चिंता रहा, मेरी चिंता यही रही कि भारत को कैसे रहेंगे महाशक्ति, भारत को हम कैसे महासंपन्न, भारत से हम गरीबी कैसे दूर करें। और मेरे जैसे दर्जनों लोग देश में जो सोचते रहे, मैंने सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं किया, पढ़ाता रहा हूँ सर कई देशों के विश्वविद्यालय में और सोचता रहा हूँ गंभीरता से, रिसर्च करता रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स लिखता रहा। अब मुझे लगता है कि 4.5 साल तो हमारे निकल गए, कोई चौथाई काम हम कर नहीं सकते। अब अगर कोई नई सरकार आती है तो वो भी क्या करेगी, आएगी तो गठबंधन की सरकार आएगी, किसी एक पार्टी की सरकार तो आएगी, उसमें से कौन ऐसे लोग हैं जिनको हम दृष्टि संपन्न कह सकते हैं, जो देश में चमत्कार कर सकते, देश की समस्याओं की जिनको समझ, हाँ नोट और वोट की समझ तो सबको, उसमें एक दूसरे को नेता लोग मारते, नोट कैसे कमांड और वोट कैसे कमांड, इसीलिए आपने जो कहा वो वादे करते थे कि हम इतने लाख रुपये हर आदमी के पास जमा कर देंगे, हम इतने लोगों को नौकरियाँ दे देंगे, हम इतना अंधकार दूर कर देंगे, बिजली लगा देंगे, इतने लोगों को गैस के चूल्हे बांट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करते भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेताओं को मैं झूठ बोलने वाला कह दूँ, तहे दिल से वो चाहते हैं, आज तो उनका भी है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग सब बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहते हैं करना लेकिन सोचते नहीं, सारा वो नौकरशाही पर निर्भर हो जाए, तो नौकरशाही का ही है कि 3 साल का मेरा पोस्टिंग है, ये क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर करें, ठीक है। तो इस समय देश को जगाना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ये हमारा बहुत नाजुक समय है, कोई स्पष्ट चित्र इस समय हमारे साथ अभी है, दो तीन मुद्दे ऐसे हैं कि जिनका ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि इस तरफ का परिणाम आ जाए, मजबूत सरकार बन जाए, जैसे कि पुलवामा का मामला है, ये बहुत नाजुक मामला है, इसको अगर ठीक से हैंडल किया जाए, टेकल किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त परिणाम हो सकता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पुलवामा में जो हुआ है ना, इसका इतना गहरा असर हिंदुस्तान में हो गया है जितना कि मुंबई होटलों में जो अटैक हुआ था ना, उसका भी उतना भयंकर असर नहीं हुआ जितना इस बात का हुआ कि हमारे सैनिक कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ जा रहे थे वहाँ से, अगर वो लड़ रहे होते और लड़ाई में मृत्यु हो जाती तो कोई बात नहीं, जाते हुए सैनिक जो है बम उनको मरो और आप बातों के लक्ष्य मरो है, क्या किया है आज पूरे सात दिन हो गए, सात दिन से पूरा हफ्ता कर क्या ठोस काम हो रहा है, सिर्फ वो 4 लोगों को मारा हमारी फौज सीमांत पे फ्रंटियर,
ये दो सी पांच लोग मरे, एक मिलियन मर गया, दो मिलियन क्या है, क्या हुआ?